हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जराहट के हिंदी में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, शाम को पूजा करते हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं, देवी देवताओं की पूजा करने से इंसान का मन शांत रहता है, साथ ही भगवान की कृपा भी बनी रहती है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के समय का विशेष महत्व होता है। भगवान की पूजा सुबह और शाम दोनों पहर में की जाती है। शाम की पूजा करने के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। देवी देवताओं की शाम के समय पूजा करते समय आपको ना तो शंख बजाना चाहिए और ना ही घंटी। ऐसी मान्यता है कि शाम को देवी देवता सोने चले जाते हैं, इसलिए उन्हें नहीं जगाना चाहिए। फूल चढ़ाने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रात को फूल पत्ते तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए रात को पूजा करते समय कभी भी फूल न तोड़ें। पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है। खासतौर पर विष्णु और कृष्ण जी को तुलसी बहुत पसंद होती है, लेकिन रात को कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसलिए सूरज ढलने के बाद कभी भी कोई भी वृक्ष का फूल या पत्ता न तोड़े और ना ही तुलसी का तोड़े, क्योंकि शाम के समय भी माना जाता है कि जैसे भगवान निद्रा में चले जाते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे भी अपनी निद्रा अवस्था में पहुंच जाते हैं। शास्त्रों में सूर्य देव की आराधना को जरूरी बताया गया है। रोज सुबह सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा है, लेकिन रात को कभी भी सूर्य देव को अर्घ नहीं देना चाहिए। ढलते सूरज को कभी भी अर्घ नहीं दिया जाता, हमेशा चढ़ते हुए सूरज को ही अर्घ दिया जाता है। तो दोस्तों, आप कभी भी भूल कर शाम को यह गलतियां ना करें जो आज हमने आपको बताई। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।